आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हम लोग सारेगामा गाते हैं उसका उच्चारण कैसे करें। सा बोलते हैं, रे बोलेंगे, गा बोलेंगे कि ग, मा बोलेंगे या मा, कैसे इसका उच्चारण होगा हर शब्द का, इस वीडियो में हम सीखते हैं। म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, जो सबसे पहली बात है, समझना ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि गा नहीं बोलना है, ग बोलना है, म बोलना है, प, ध, फिर नी, फिर सा। मेरा कहना है कि ग नहीं बोलना है, गा बोलना है, गा, मा, पा, ऐसे बोलना है। तो सच्चाई किस बातों में है ये जानना ज़रूरी है। हम लोग ये समझना ज़रूरी है कि गाना क्या है, मुझे आगे जाके सीखना क्या है एग्जैक्टली। जो गाने का पैटर्न है, हम लोग को बताया जाता है कि आकार में गाना है। मुंह जितना खुला होगा, आवाज़ जितनी खुली होगी, उतना अच्छा। तो देखिए, जो बनावट जो है, पहला वर्ड क्या है, सा। हम लोग सा क्यों बोलते हैं? अगर हमको ग बोलना था म, तो सा को भी स बोलते हैं, है कि नहीं? स बोलते, रे, ग, म, प, ध, नी, स। लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं। पहला जो वर्ड है सा, जिसे हर सुर का, जो पहला सुर है सा, उसे हर सुर की माता कहा गया है और उसमें आकार है सा। तो अगला भी जो सुर है, रे और नी को छोड़ के, जितने हैं सब में आकार होगा, है कि नहीं? यही सही है, यही साइंटिफिकली भी सही है, गायकी के लिए भी सही है, गले के लिए भी सही है। सा बोलेंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये बोलेंगे। अब कहिएगा, जब तेज सरगम गाएंगे तो कैसे गाएंगे? जैसे प म ध प म द नि नि म ध प सा सा नि ध म म ध म ग म ब म ग म ग ध सा ग म ब म ग म ग ध सा। अब यहाँ पे क्या आकार आ रहा है? तो जल्दीबाजी में तो ऐसे ही गाया जाएगा, लेकिन जब हम लोग होल्डिंग नोट्स करते हैं, सा को ठहरा रहे हैं, रे को, गा, मा, जब ठहर के गा रहे हैं, तो आकार ही होगा। पहले आकार में ही करना है पूरा का पूरा। जब तेज तान होगा तो अपने आप ही हो जाएगा ये मोटिवेशन, गाते गाते, समझते समझते। तो उच्चारण सही ढंग से होना चाहिए। प प म ग म ग ध सा नि ध म ग ध सा ग म ध नि म ध नि सा नि ध म म ग ध सा ए रे या ले पे या बिन। तो यही बात है कि उच्चारण सही ढंग से कीजिए, आकार में कीजिए, सा, रे, गा, मा, ऐसे कीजिए, तो सही माना जाता है इसे। तो दोस्तों, बस ऐसे ही जुड़ रहिए हमारे साथ, और अगर कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।